लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने आज सानपाड़ा प्रभाग 77 एवं 78 में कोरोना प्रतिबंधक जागरूकता कार्यक्रम चलाया। निवर्तमान नगर सेविका वैजयंती भगत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए फ्री मास्क और बारिश से बचाव के लिए छाते बांटे गए। बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में युवा नेता निशांत भगत ने यहाँ नागरिकों को जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन कराने और NMMC की आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। सानपाड़ा प्रभाग 77 एवं 78 में आज बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने कोरोना प्रतिबंधक जागरूकता कार्यक्रम चलाया और नागरिकों को महामारी से बचाव के लिए मास्क बांटते हुए सावधान रहने की अपील की। निवर्तमान नगर सेविका वैजयंती भगत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में निशांत भगत ने यहाँ नई मुंबई महानगर पालिका द्वारा चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना की भी जानकारी दी, जो कोरोना से कमाऊ व्यक्ति की मौत पर उनके परिजनों के भरण पोषण के लिए दी जाती है। इस अवसर पर सैकड़ों नागरिकों को बारिश से बचाव के लिए छाते भी वितरित किए गए। यहां बीजेपी नेता दशरथ भगत, युवा नेता संदीप भगत, वैजयंती भगत समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनाते हैं निशांत भगत ने क्या कुछ कहा। नगर सेविका वैजयंती भगत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या सर्व प्रभागातील ज्येष्ठ नागरिक व त्यासोबतच महिलांना एकत्रित करून आज या ठिकाणी मोफत छत्री वाटप, त्यासोबतच मास्क वाटप आणि त्यासोबतच जी जनजागृती करायची खऱ्या अर्थानं की लसीकरणाबाबत जनजागृती करणं, मतदार जे ज्यांचा फोटो नाही त्यांचं नाव डिलीट करण्यासाठी जी शासनाने जी मोहीम राबवलेली आहे त्याच्यासाठी फोटो कलेक्शन करण्यासाठी जे जनजागृती करण्याचं होतं ते त्यासाठीचा आजचा हा कार्यक्रम, त्यासोबतच आपल्या महानगरपालिकेने जे कोरोना काळामध्ये ज्यांचे आई वडील वारले असतील किंवा ज्यांचे पती वारले असतील अशा लोकांसाठी जी महानगरपालिकेने जनकल्याणकारी योजना जी जाहीर केलेली आहे या सर्व गोष्टींची माहिती देण्यासाठी मी चॅनलच्या माध्यमातून आपणा सर्वांकडून आणि या प्रभागाच्या सिनियर सिटिझनकडून नगरसेविका वैजयंती भगत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी विधायक गणेश नाईक एवं युवा नेता संदीप नाईक के नेतृत्व में नवी मुंबई में जागरूकता अभियान चल रहा है। सानपाड़ा के प्रभाग 77-78 में युवा नेता निशांत भगत इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके दौरान वैक्सीनेशन, आर्थिक सहायता योजना समेत कई मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।